लोग होते हैं उनके छप्पर वगैरह। और मेरे अंकल ने 1999 में थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ये फुल फुल है और बहुत दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं जा रहा हूँ सीरी पाए से ऊपर मकड़ा पे, और आज 23 रमज़ान है। बहुत ही अच्छा और प्यारा वेदर है, लेकिन हम आए थे दो बंदे और कच्चा रास्ता है, गाड़ी बहुत गर्म हो गई है क्योंकि गर्मी है नीचे की तरफ, लेकिन मौसम बड़ा VIP है शुक्रान में भी और ऊपर भी। हम जा रहे हैं प्रॉपर, अभी हम सीरी पहुँचने वाले हैं, पाया उसके बाद हम पैदल चलेंगे। हमारा इरादा है कि हम फुल मकड़ा पे जाएं, तो मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, उस पर हमने बर्फ़ वगैरह लगाई हुई है। दोस्तों ये ना बर्फ़ इसलिए लगाई है कि गाड़ी बाइक 125 है, लेकिन कच्चा रास्ता है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है और ये शदीद गर्म हो रही है। नीचे ऐसा लग रहा है कि हमने ना राड लगाया हुआ, पानी इतना गर्म है। दोस्तों अभी तकरीबन एक घंटे का सफ़र है और हम तकरीबन सिरी पे पहुंचने वाले हैं। और अच्छा रोज़ा है, लेकिन प्यास शदीद लग रही है, पानी हमने लाया नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि रोज़ा बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि रोज़े का एहतराम करें। चलें आस्ता आस्ता आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल पाया टॉप पे हम, और ये यहाँ पे पकौड़े समोसे वाले जो लोग होते हैं उनके छप्पर वगैरह हैं। और थोड़ा आगे तक जाएंगे, आपको मकड़ा दिखाऊंगा और उसके बाद कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकलें, क्योंकि इस तरफ कोई आया है नहीं है। हमारा पे आज का पहला टूर है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, बड़ी खूबसूरत जगह है। चले आगे चलता हूँ। और गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, गाइस गिरते पड़ते और ऊपर पहुंच गए हम। एक रोज़ा है और प्यास शदीद किस्म की लगी हुई, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल चलने की, लेकिन सिर्फ 10 मीटर सफ़र होगा और पीछे का 10 मीटर सफ़र मैंने 10 मिनट में तय किया है, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ तो मैं अपने रोज़े को बचा लूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अपने ऊपर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से आगे सफ़र मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वापसी का जितना सफ़र है ना उतराई गया है, और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। सामने मकड़ा पी के दोस्तों
किसी मेरे भाई मेरे अंकल ने 1999 में यहाँ पे वीडियो बनाई थी और अपना नाम लिखा था तारक और इकरा और डेट है 27/8/1999। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह तारक भाई तक और इकरा भाजी तक पहुंच जाए। तो इसके साथ हम आपको पीछे मकड़ा का व्यू भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। छोटी सी और ये इसका पानी गर्मियों में 7वें 8वें महीने तक खुशक हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ये फुलकुल फुल है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर दिन में धूप हो तो इसके अंदर बिल्कुल सब्ज़ घास जमी हुई है, तो ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है, सब्ज़ सब्ज़। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है क्योंकि धूप उतर चुकी है बिल्कुल, तो अगर धूप होती तो बड़ा मज़ा आता यहाँ पर। और कभी आए तो अभी थोड़ा कह रही है अभी थोड़ा ब्राउन है, तो हफ्ते एक आध हफ्ते तक ये ग्रीन बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। और पीछे पहाड़ों पे बिल्कुल बर्फ से भर हुए हैं कागान और भट्टकुंडी के पहाड़। अभी खेल रहे हैं और ये सारा एरिया फूलों से भर रहा है और मैं अपने घर के लिए भी लेके जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ।